सूरज माशाल्लाह से ग्रूब हो रहा है, और इस टाइम जो सूरज का व्यू होता है ना, बहुत ही जो कह लें कि लेवल का होता है, ऑसम व्यू। ये नीचे किसी ने लगाया हुआ है सबर चारा जानवरों का, और इधर आ रहा है जानवरों का भोसा जो कि चावल की फसल से निकलता है। ऐसा लिया क्या है, ऐसा लिया क्या है, ये अभी इधर लगा हुआ है हेडमास्टर, ठीक है। तो इसकी मदद से जो ना वो कह लें कि आप जो नीचे गिरता है ना जानवरों का, वो भूसे के काम आ जाता है, ऊपर से चावल वगैरह वो निकाल लेते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चावल की फसल जो ना वो तैयार है, हेडमास्टर लगा हुआ इधर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। इस टाइम मैं बाहर आया हूँ खेतों की तरफ, और पीछे जो है ना वो लगा हुआ है हेडमास्टर जो कि चावल की फसल काट रहा है। तो अभी चलते हैं और देखते हैं कि जो है ना वो चावल की फसल काटी जा रही है, ठीक है, और कितनी जो है ना वो काट ली है, और ये किस तरह से हेडमास्टर जो है ना वो चावल की फसल काटता है। अभी जो ना हर तरफ आपको जो ना वो कह लो कि यही मिलेंगे, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट जो ना सभी लोगों की चावल की फसल जो है वो कट चुकी है, और अभी जो ना सभी किसान लोग अपने अपने जो मेहनत का फल है वो कह लें कि उनको मिल रहा है। तो अभी मैं इधर आया हूँ, ये कचट रह गया, तो यहाँ से चलते हैं बाइक लेके वहाँ आगे, आगे लगा हुआ है हेडमास्टर, तो देखते हैं क्या सीन है। बाइक में इधर ले आया हूँ, खड़ी कर दिया, क्योंकि ये गाँव से काफ़ी दूर था, तो इसलिए मैं कह चलो बाइक पर चलते हैं साथ, आप लोगों के साथ ये शेयर कर देते हैं। ये देखें, ये हेडमास्टर इधर काट रहा है, और उसका जो चारा वगैरह ना ये लोग लेके जा रहे हैं बच्चे लोग। और इधर भी एक जो ना वो अंकल लगे हुए हैं इसको इकट्ठा करने। इसका ये फायदा होता है ना कि ये जानवरों के जो चारा है ना उसके काम आ जाता है, ये कहने के सबर चारे के तौर पे ना जानवरों को डाल दिया जाता है। यार चाचा ना बना यार, चाचा कितनी गोगी है मुंजी है वाली है चाचा, नाल ना लेके जाते पे। चल भाई ट्रैली नाल लाई दी है, अच्छा जोर ला जोर, ये लगा हुआ है हेडमास्टर जो कि चावल की फसल काट रहे हैं। ये साथ जो ना परिंदे हैं, ये जो चावल वगैरह नीचे गिरते हैं ना, ये साथ वो खाते हैं। ये जो पीछे नजर आ रहा है ना आपको, ये जो गिरा रहा है ये होता है यानी कि जानवरों को जो चारा उसके काम आ जाता है, यानी कि भूसा वगैरह होता है चावल की फसल से निकलता है, ये उसके काम आ जाता है। तो ये देखें आप ये चीज, अभी ये थोड़ा सा रह गया, इसके बाद ये काटने के बाद इस खेत की बारी है। नहीं बनने वाले तक चावल फिर चुक चुको चल भाई, चाचा मोटरसाइकिल छाड़ा वा वो लाइए, वैसे है ये बहुत इसके वजन बहुत कम होता है, क्योंकि ये घास फूस ही होता है, इसके वजन बहुत कम होता है। और अभी वो साथ ना बच्चे आए हुए हैं गधा गाड़ी लेके ना, तो उसके ऊपर ये वो सलाद के ना लेके जाएंगे, तो कह रहे हैं हमारी वीडियो बनाओ, उनकी आवाज़ आ रही है वहाँ से। अभी इसके ऊपर भी चलते हैं, इसके ऊपर जाकर वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट जो ना, तो अभी उनके पास चलते हैं। ये इधर ना बच्चा लगा हुआ है, ये इकट्ठा करने, इसको इकट्ठा करके ना तो ये गधा गाड़ी पे लेके जाएगा वहाँ पे दे रहे थे ना, ठीक है। ये होता है कि ये जानवरों के काम भी आ जाते हैं चारे के, और दूसरा ये होता है कि इसकी मदद से लोग जो ना वो आग वगैरह जलाते हैं सर्दियों में ना, आगे सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो इसके ऊपर जो ना आग वगैरह चल जाती है, इसलिए ये इसको इकट्ठा कर दिया जा रहा है ताकि बाद में ये काम आ जाए। तो ये देखें आप सारा ही, यानी कि ये इस तरह की लाइनें इस पर लगी हुई हैं इधर, ये साथ साथ काटता जा रहा है, और ये साथ साथ इसका जो भूसा है वो नीचे चावल जो होते हैं ना वो इसके अंदर यानी कि ऐड होते रहते हैं। जाओ यार पुराओ यार, कभी छुटो एक छुटो बुलाओ छुटो छुटो, हाँ जी हाँ जी, शाबा शाबा लाइया लाइया, हेल्प कराया करो यार। नहीं नहीं ऐ हो लई हुंदा, ये चेक करे जनाब, ठीक है ठीक है। नहीं यानू डंगरा वास्ते क्यों बाल लें, डंगरा वास्ते ये उसको ना ऊपर से
पैरों के ऐसे नीचे कर रहा था कि ये बैठ जाए, इसके ऊपर और आ जाए। ये बस रह गया ऑलमोस्ट खत्म, फिर ट्रैली आएगी उसके अंदर जो ना वो चावल जो ना वो लोड करेंगे, फिर वो लेके जाएगी। मैं अभी हल्द आ रहा हूँ, वो हमने जो ना गदा गाड़ी लोड करनी है, तो इसको हम लोग इकट्ठा करेंगे पहले। ये वैसे ये तो सफर चारा है ना, कमरे का चारा बन जाता है, ऐसे लोगों को लेके जाना पड़ता है। गदा गाड़ी मेरी भाग गया दूर, अभी जो ना वो ट्रैली आ गई है, ठीक है, ये खाली करके भरी हुई थी, खाली करके वापस आ गई है। अभी हेड वैसे लगा हुआ है, ठीक है, जैसे वो फुल होगा फिर ट्रैली के अंदर जनाब लोड करेंगे इसको। है ना साढ़े अपने वीर रिहाड़ी जो कि पूरी मस्ती च ने। की हाल है वीर, ठीक ठाक है? किन्ने फेरे सोटा है? पांच फेरे सोटा है, सही है झाड़ माशाल्लाह जबरदस्त है, वड हो गया। हूँ कितने जाना फिर लैके? ये जनाब दूसरी ट्रैली आ गई है, एक ट्रैली उस साइड पे खड़ी है, ठीक है, वो सामने, ठीक है, और ये भी आ गई है ट्रैली, ठीक है, हेड वैसे से खड़ा हो गया। अभी जो ना ये सारे कह रहे कि आप चावल के वैसा जो दाने होते हैं ना वो इसके अंदर जनाब आएंगे और फिर ये इधर से लोड होके तो वापस। अभी ये बस खेत हुआ है, ठीक है, ये देखें माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी जो ना इस दफ़ा लोगों की फसल निकली है चावल की। ये डाला बंद कर दिया ताकि जो ना बाहर ना गिरे। हेड वैसे से ये होता है कि आपको आसानी हो जाती है, वैसे लोग हाथ की मदद से लगे रहते थे काफ़ी टाइम के लिए, लेकिन इससे ये होता है कि आपको आसानी हो जाती है, आप चंद घंटों में जो ना अपने सारे फसल घर ले जाते हो। तो अभी ये वाला खेत जो ना वो रह गया, बाकी सारा ये वाला जो ना वो कम्प्लीट हो चुका है, ठीक है, और इसकी जो ना वो अभी हो रही है। वो कह रहे हैं कि एक गाड़ी में दाने पूरे नहीं आएंगे, ठीक है, दूसरी गाड़ी जानी पड़ेगी। माशाल्लाह से काफी अच्छी फसल है। माशाल्लाह से ना काफ़ी ज़्यादा जो ना वो फसल है माशाल्लाह। और अभी जनाब दूसरी जो ना वो गाड़ी आ गई है, ये गाड़ी जो ना वो तकरीबन लोड हो चुकी है। किनिया माशाल्लाह इस दफा चाह ठीक है भाई, कहते पे ने एक किले चू एक एकड़ चू ना दो ट्रैलियाँ निकल रही हैं, तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा यानी कि कह लो फसल का जो कह लो कि रिस्पॉन्स आ रहा है किसानों को। वो भी रिहाड़ी है, क्या बात है, क्या बात है, ले आया। अभी एक उन्होंने बंद कर दी है क्योंकि ये वाली जो ना वो फुल हो गई है, ऐसे फिर जो ना वो गिरने का खतरा होता बाहर दाने, ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गई है। अभी भाई इसको निकालेंगे, दूसरी गाड़ी इधर खड़ी है वो इधर डालेंगे, तो बाकी का ना वो इसके अंदर डालेंगे। ये जा रहे हैं भाई, बस आज जी अल्लाह भी पहुँचो थी। अभी दूसरी गाड़ी की बारी है, दूसरी गाड़ी इनकी है माशाल्लाह से, और अभी इसके अंदर जो ना बाकी के दाने डालेंगे और इसके अंदर जो ना वो पूरे आ जाएंगे उम्मीद है कि। लो जी अभी दूसरी के अंदर जो ना वो दाने गिरना स्टार्ट हो चुके हैं।
माशाल्लाह से ना फसल की जो ना कह लें कि आप अच्छी फसल हो रही है इस दफ़ा की, किसानों की जो मेहनत रंग ला रही है। ये हेडवेस्टर है जनाब, इसका बहुत फ़ायदा इससे ही होता है कि आप कुछ मिनटों में कह लो कि आपकी फसल आपके घर पहुंच जाती है। क्या हाल है, ठीक हो? तो अभी मैं हेडवेस्टर के ना वो ऊपर आ चुका हूँ, ठीक है, और यह साढ़े भा बूटा जहाँ लैके जा रहा है जानवर चारा हेडवेस्टर जनाब स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ये हेडवेस्टर का स्टीयरिंग चेक करें, ये जनाब चक्कर है जिसके अंदर जो ना वो दाने जाते हैं, ये देखिए। और अभी जो ना सूर्य ग्रुप हो चुका है फुल, और इधर मैं खड़ा हूँ, ये देखिए। और अभी जनाब फसल जो ना वो काटी जा रही है, ठीक है, तकरीबन थोड़ी सी रह गई है, काफ़ी सारी काट ली है, और ये पीछे वाली जो ना ये भी काटने वाली है, और अभी अंधेरा हो चुका है, और ये इधर रात जो ना कह लें कभी तीन चार तो बज जाएंगे, क्योंकि अभी इसी इलाके में हेडवेस्टर लगा हुआ है, वो ये भी काट रहे हैं, और काफ़ी हाइट पे मैं खड़ा हूँ इस टाइम, काफ़ी ज़्यादा हाइट है इसकी, और काफ़ी बढ़िया मशीन होती है यार। तो अभी मैं आ चुका हूँ हेडवेस्टर के नीचे उतर गया हूँ, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो इनका करने वाला है, ठीक है, और अभी अपना इधर टाइम नहीं है क्योंकि शाम हो गई है, अभी बस निकलते हैं, अभी ये वाला खेत जो ना वो ख़त्म करके पीछे अच्छी बारी होगी ये वाली। अच्छा यार, ये जो है हेडवेस्टर है ना, ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी डिटेल ना मैं इनसे पूछता हूँ, और इनसे हम लोग करेंगे पंजाबी में बात। तो अस्सलाम वालेकुम जी, अद्धे घंटे किला कटिया जाता है, सही हो गया। तो यह जी मशीन है किन्ने तक आ जाती है? एक करोड़ दी। कमाल हो गया, तो अगर खराब वगैरह हो गया तो की यार कोई मकैनिक वगैरह नाल हुंदा है? तुसी कर लैंदे सही, यानी कि भाई यानी कि मकैनिक ने, ठीक है, क्योंकि ये हेडवेस्टर ना जो इसको कोई ना कोई मसला आया दिन होता रहता है, क्योंकि ये बड़ी मशीन है, तो जब ये फसल का इसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती हैं, तो साथ एक मकैनिक होता है, और कितने बंदे होंगे नाल? दो बंदे, एक ड्राइवर एक मकैनिक, एक तेल वाला जिहड़ा कि तेल लैके आंदा, तीन बंदे होंगे ने। तो असं अगर कोई बंदा कारोबार करना चाहता है हेडवेस्टर वाला, तो सही है कारोबार है, जबरदस्त है, प्रॉफिट वगैरह अच्छी हो जाती है, सही हो गया। तो वैसे जरा अच्छा रेट चल रहा कोई की हिसाब था पता? 6000 किले का पुल पे मैं बद करके, सही हो गया, तेल भी महंगा हो गया, सही हो गया, यानी कि फायदा तो है ना यार, एक घंटे थोड़े घर थोड़ी फसल पहुंच जाती है, इंज कितने हाथ ना लगे रहो, क्यों वीर यदा फायदा है, ठीक है, तो बड़ी मेहरबानी। हूं सारी बढ़नी है? बस चलो ठीक हो गया, मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़।